ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग लेने निवेश करने पहुंचे देश और विदेश के कई उद्यमियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की नीतियों पर भरोसा जताया। समिट में स्टार्टअप के जरिए अपना उद्योग स्थापित कर रहे युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। एयर स्पेस, शिक्षा, सौर ऊर्जा, फिल्म, चिकित्सा समेत कई क्षेत्रों में निवेश करने पहुंचे उद्यमियों से सहारा समय यूपी उत्तराखंड के एसोसिएट एडिटर आलू गुप्ता ने खास बातचीत की है। हम मौजूद हैं इस वक्त वृंदावन कॉलोनी में, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उत्तर प्रदेश से जो सांसद है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री है, मुख्यमंत्री योगी, तमाम बड़े नेता के साथ में देश के तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट यहां पर पहुंचे हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, और तमाम सारे उद्यमी हैं जो यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप लोग कहां से, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, फिर बताइए कि उत्तर प्रदेश में आप किस क्षेत्र में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। जी जी बताइए। हाँ, मेरा नाम पिनाकी भट्टाचार्य है। हम लोग सौर ऊर्जा में हैं, तो हमारी सोलर एनर्जी कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है। तो यहाँ पे सारे विदेशी निवेशक है हमारे कंपनी में, फ्रॉम डेनमार्क, यूरोप, कनाडा, जापान। तो अब हमने यूपी में हमने सबसे ज़्यादा सोलर प्लांट्स लगाए हैं अभी तक। तो हमारे 7 पावर प्लांट है यूपी में, अराउंड 300 मेगावाट। एंड वो सोलर एनर्जी हम यूपी के इंडस्ट्रीज़ को बेच रहे हैं, जैसे सीमेंट सेक्टर में बिरला कंपनी को बेच रहे हैं, जेके, देन टेलीकॉम में हम लोग एयरटेल को बेच रहे हैं, सो ऑटो सेक्टर को बेच रहे हैं। तो बेसिकली मतलब बहुत ही अच्छा पॉलिसी बनाया है यूपी में फॉर इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी। एंड अभी जैसे इसमें और इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होगा तो सबको ऊर्जा की ज़रूरत है। अब ऊर्जा, अगर सौर ऊर्जा हो, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप कहाँ से आए हैं और क्या है, युवा हैं, किस सेक्टर में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? सर, हेलीवेयर से आया हम। हेलीवेयर इज अ स्टार्टअप कंपनी विच प्रोवाइड द जियो स्पेशल सॉल्यूशन फॉर द इंडस्ट्री लाइक कंस्ट्रक्शन, सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, डिफेंस में भी हम काम करते हैं काफ़ी। और काफ़ी अच्छा हुआ आज का यहाँ पे, अच्छा लगा, इतनी प्रगति पर भी हम चल रहे हैं, अच्छा लगा आज। मैं फिल्म मेकर हूँ और मैं फिल्में बनाता हूँ, और लखनऊ में बहुत सारी फिल्में बना चुका हूँ 2014-15 में, और इसके पहले भी का इन्वेस्टर समिट मैंने अटेंड किया था। और यहाँ पर अभी एक 30 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, और उसी के सिलसिले में यहाँ मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आया हूँ। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है बहुत इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सपोर्टिव है, सिंगल विंडो है, और अभी तक ये 4-5 लाख करोड़ का फिल्म का बिजनेस है। तो अगर ये यहाँ के लोग वहाँ जाने के अपेक्षा अगर यहाँ पर, यहाँ के माननीय चीफ मिनिस्टर जी यहाँ पर बहुत बड़ी फिल्म सिटी मतलब आ रहे हैं, अगर यहीं पर सब कुछ होता है तो यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और लोग यहाँ पर बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, और ये एडवर्टाइजिंग बिजनेस भी 20,000 करोड़ का है। मेरा नाम देशराज बडाना है, मैं स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन से हूँ, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस तरह का विजन है मोदी जी का और योगी जी का, वो बहुत अच्छा है। हमारे प्रेजिडेंट है डॉक्टर सुब्बाराव पविलरी, ही इज़ द CMD ऑफ अनंत टेक्नोलॉजीज़। उन्होंने करीब 3500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया स्पेस मैन्युफैक्चरिंग में, जो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री किसी को इन्वेस्टर आया है स्पेस सेक्टर में। यहाँ पे सैटेलाइट्स बनेंगे, करीब 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, और ये यूपी के ग्रोथ इंजन में जो है ना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। हमारे साथ कुछ और उद्यमी भी जुड़ रहे हैं, अपना परिचय बताइए आप कहाँ से। मैं डॉक्टर संतोष कुमार यादव, मैं मेलबर्न से हूँ, और मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर पेशे से हूँ, और अपनी क्लिनिक वहाँ रन करता हूँ मेलबर्न में, और आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चर भी करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट भी बनाता हूँ आयुर्वेदा का। तो यहाँ पर मैं निमंत्रण मिला, मैं बहुत ही खुश हूँ कि जो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो रियली मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी और योगी जी के जो नेतृत्व में चल रही है, इसके लिए मैं बहुत याद हूँ। और काफ़ी परिवर्तन, 20 साल पहले मैं गया यहाँ तो काफ़ी चीज़ें चेंज थी, मैंने यहीं से BMS किया लखनऊ से, बट आज मैं देख रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश है रियली हर तरह से, स्वच्छता के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, या फिर इंडस्ट्री के मामले में हो, रियली बहुत ही अच्छा विकास किया है। अब बिल्कुल डॉक्टर साहब हैं जो कि मेलबर्न में हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपसे आपका कहना है कि 20 साल के बाद जब वो लौटे हैं तो बहुत ही बदल गया है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ में कुछ युवा भी जुड़ चुके हैं, हालांकि इनकी उम्र तो पढ़ने लिखने की लग रही है, लेकिन इन्हीं से पूछ लेते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं और यहाँ पर क्यों हैं। फिलहाल तो हम अभी हम स्टडी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ बिजनेस भी स्टार्टअप किए हुए हैं, तो उसी के बारे में हम थोड़ा आए थे, क्योंकि यहाँ पर हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं? अभी हम शिक्षा में है अभी,
और आगे प्लान है बिजनेस करने का। तो ये हमने देखा जो हमारे आइडियल हैं अंबानी जी और बिरला जी, उनको देख के कुछ सीखने को मिले, इसलिए यहाँ पे आने का। क्या सीखा आपने अंबानी और बिरला जी से? जी हमने सीखा कि अपने चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, कैसे बिजनेस में ग्रोथ की जाती है, यही सब सीखा। बाकी मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ और अपना स्टार्टअप लेके यहाँ पे आया था, उसी के बारे में कुछ सीखने की आगे कैसे क्या किया जाए। बिल्कुल, ये बच्चे हैं, युवा हैं, अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़े सपने देख रहे हैं कि किस तरीके से खुद को इस्टेब्लिश करें, प्रदेश को इस्टेब्लिश करें और किस तरीके से उद्यमों को लगाएं और शुरू करें। और यही वजह है कि अंबानी और बिरला को सुनने के लिए लोग पहुंचे थे। आप किस सेक्टर से हैं? मैं चाय वाला फाउंडेशन, आई एम द डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, और हमारा चाय वाला ब्रांड भी है। ऑल ओवर इंडिया में हमारे 104 आउटलेट हैं इस समय। अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर हम 41 आउटलेट्स अपने लगा रहे हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण को लेके हम रोजगार दे रहे हैं। कितने का इन्वेस्ट कर रहे हैं आप यहाँ पे? लगभग आप 15 CR का इन्वेस्टमेंट है हमारा, ओन इन्वेस्टमेंट, बट वी आर प्लानिंग फॉर द ग्रुप ऑफ कंपनी। तो लंबा इन्वेस्टमेंट करेंगे और एटमॉस्फेयर वुमेन्स एम्पावरमेंट के अंदर हमारा बेसिकली वर्क रहेगा। बिल्कुल, वुमेन्स एम्पावरमेंट पर काम करेंगे। चाय वाला के तौर पर आपका ब्रांड है, आप कहाँ से हैं और आपका क्या काम है? मैं बेसिकली लखनऊ से ही हूँ और मैं एक जर्मन बेस्ड स्टार्टअप में इंगेज हूँ एज ए फाउंडर ऑफ द गैब्रियल सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। सो IT सेक्टर से ये स्टार्टअप है जो बेसिकली हमारा फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लिए जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक नया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल, देखिए हमने अभी आपको बताया कि किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि 23 लाख करोड़ रुपए का जो लक्ष्य था उसके विपरीत 32 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए हैं करीब सभी सेक्टर्स में, और कई बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे थे जो पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर इस बात की लालसा है कि उनको भी उद्यम स्थापित करना है। वो सिर्फ इसलिए पहुँचे थे कि वो सीखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे कि बड़े इंडस्ट्रीज किस तरीके से आगे बढ़े हैं। समय के लिए लखनऊ कैमरामैन तीर्थंकर हुआ के साथ आलोक गुप्ता।